एक बार फिर चीन ने अपनी नापाक चाल चल दी है। आतंक के आका मसूद अजहर को अपनी वीटो पावर के जरिए बचा लिया है। जी हाँ, चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है और इसी के साथ ये प्रस्ताव रद्द हो गया है। पिछले 10 सालों में ऐसा चौथी बार है जब चीन ने अपनी वीटो पावर के जरिए मसूद अजहर को बचा लिया है। सबसे पहले 2009 में मुंबई हमले के बाद मसूद अजहर पर पहली बार प्रतिबंध का प्रस्ताव पेश किया गया था। फिर साल 2016 में भारत ने सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सामने प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था। फिर 2017 में अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से प्रस्ताव पारित किया था और अब पुलवामा आतंकी हमले के बाद फ्रांस के प्रस्ताव का अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन किया था, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर चीन ने अड़ंगा डाल दिया है। हर बार आतंक के आका मसूद अजहर के खिलाफ वैश्विक स्तर पर शिकंजा कसने की शुरुआत तो होती है, लेकिन चीन अड़ंगा डाल देता है और हर बार नासूर बन चुका मसूद अजहर बच निकलता है। दरअसल चीन को लगता है कि जैसे मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई लिंक नहीं है। चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए दलील दी है कि मसूद के खिलाफ ना पहले सबूत मिले थे और ना अब कोई सबूत मिला है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सामने मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने 27 फरवरी को प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद समिति के सदस्य देशों के पास आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, जो बीती रात समाप्त हो रही थी, लेकिन चीन ने कुछ ही घंटे पहले आपत्ति दर्ज करा दी। चीन के इस कदम को लेकर आशंका पहले से ही थी और अमेरिका ने चीन को चेताया भी था कि अजहर को लेकर चीन का रवैया शांति के लिए खतरा है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने आतंकियों के पनाहगार अपने साथी देश पाकिस्तान का रहनुमा बना हुआ है, जो समझ से परे है। चीन की वीटो पावर लगाने के बाद मसूद अजहर एक बार फिर बच गया है, जिस पर भारत ने निराशा जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि आतंकियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे। साथ ही भारत ने उन सभी देशों का धन्यवाद भी अदा किया जिन्होंने आतंकी आका मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत का साथ दिया। वहीं आतंकवादी को बचाने के लिए चीन के इस रवैये की अमेरिका ने भी आलोचना की है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ये चौथी बार है जब चीन ने ये अड़ंगा लगाया है। चीन को इस काम को करने से सुरक्षा परिषद को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ जिससे उपमहाद्वीप में शांति का मिशन फेल हो गया है। तो चीन के इस कदम की विश्व भर में आलोचना हो रही है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर चीन आतंकी मसूद अजहर की ढाल क्यों बना हुआ है, क्योंकि अगर मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगता तो वो ना सिर्फ वैश्विक आतंकी घोषित होता बल्कि मसूद अजहर के संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य देश की यात्रा पर रोक लग जाती, मसूद अजहर की सारी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाती और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े देश मसूद अजहर को किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाते और कोई भी देश मसूद अजहर को हथियार मुहैया नहीं करा पाता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भी मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी देश मसूद अजहर के खिलाफ खड़े थे तो फिर एक चीन के अड़ंगा डालने से क्यों फर्क पड़ता है। दरअसल चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों को प्राप्त विशेष अधिकार है, जिसमें ये 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को वीटो के जरिए रोक सकते हैं और अगर 5 देशों में से किसी भी एक देश ने असहमति दर्ज करवाई तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। आखिर मसूद अजहर कब तक बचेगा, क्योंकि पूरा विश्व आतंक के खिलाफ एकजुट है। हाँ, चीन ने जरूर वीटो पावर के जरिए संयुक्त राष्ट्र में अपने राजनीतिक फायदे साधने की कोशिश की है, लेकिन इतना तो तय है कि आतंक के पांव अब कब्र में लटके हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अन्य देश आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ एकजुट होकर क्या एक्शन लेते हैं। सोहन सिंह, एबीसी न्यूज़, दिल्ली।